ऑल इंडिया गद्दी समाज का 39वां स्थापना दिवस समारोह में अतिथिगण सम्मानित। शुक्रवार को ऑल इंडिया गद्दी समाज का 39वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पूरे देश में किया गया। धनबाद में समाज सेवी मोहम्मद नौशाद गद्दी, झारखंड गद्दी समाज कमेटी सह गद्दी पंचायत समिति के संचालक एवं कर्ता धर्ता तथा लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष द्वारा नया बाजार में 39वां स्थापना दिवस समारोह बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल, सैनिटाइजर एवं मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी समाज के पदाधिकारियों तथा अतिथि जनों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। सबको बांध के सब के पास मैं निहाल था। एक बार ले लो, इधर पकड़ो पीछे। हाँ ले लो, हाँ एक बार ले लो, पूरा एक बार सबका ग्रुप हो जाए। इधर पीछे पकड़ के रखो, यहाँ ऊपर से ऊपर से पकड़ो। हाँ पकड़ो, हाँ आज के स्थापना दिवस हरे बाबू उधर मत आना समाज की शुरुआत ये सेलिब्रेट होता हुआ और बाबू बाबू आइए इधर आइए, काटिए बाबू मामा दूसरा इमरान अंसारी। इमरान अंसारी कौन है? वाह अरे वाह, मच्छरों को भगाने वाले मच्छर का बाबा, यूनुस का बाबा। दीजिए ना इनको, पहले तो दीजिए। एक बार इधर देखने बोले तो एक बार इधर पकड़ के पकड़ के। इस अवसर पर पप्पू गद्दी ने कहा कि 39 साल पहले जब गद्दी समाज के लोगों में बिखराव था, उस वक्त दाऊद साहब जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक भी थे, उन्होंने गद्दी समाज का एक संगठन खड़ा किया। संगठन में लोग आते गए और एक बड़ा संगठन ऑल इंडिया गद्दी समाज खड़ा हुआ। ये समाज गद्दी समाज को एकजुट कर एक साथ लेकर चलने का काम कर रही है। देश के हर हिस्से में आज ये स्थापना दिवस मनाया गया। मोहम्मद नौशाद गद्दी ने कहा कि ऑल इंडिया गद्दी समाज का संगठन देश में जहां जहां भी वहां ये स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण कर उन्हें मदद पहुंचाने का प्रयास किया गया। पूरे ऑल इंडिया गद्दी समाज जहां जहां भी है इंडिया में, वो सारे जगह बहुत हर्षोल्लास के साथ आज का दिन स्थापना दिवस मनाते हैं। हम लोग हर साल की तरह इस साल भी हम लोग सारे बुजुर्गों को, इस बीच बहुत गरीबों लोग को मदद भी होती है, कम्बल बटे, सैनिटाइजर, मास्क और बहुत लोगों को जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाता है। यह हमारा गद्दी समाज हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर करता रहा है और हमारे गद्दी बिरादरी में बहुत से लोग हैं, ग्यास अहमद गद्दी, अतीक अहमद गद्दी, अलियास अहमद गद्दी और दाऊद साहब जो यूपी के सांसद रह चुके हैं। और ये हम लोगों का सबका सोच था, हमारे सीनियर का, कि एक कमेटी, एक संस्था बननी चाहिए जिसका आज उन चैनल का स्थापना दिवस। मैं जो भी लोग आए यहाँ, मैं उन सबको तह दिल से, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन मैं सभी का खैर मकदम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच संचालन करते हुए जुबैर आलम ने बताया कि गद्दी समाज को अपने समाज तथा दूसरे समाज के प्रति भी एकता, भाईचारा और अच्छे आचरण के कारण देश भर में
सराहा जाता है। गद्दी समाज सारे समाज के लिए हर वक्त खड़ी है। समारोह में मोहम्मद पप्पू गद्दी, असलम गद्दी, हाजी अमीन शाह, राजा दौलताना, लालू शकील गद्दी, हसन हुजूर शाह, जुबेर आलम, शरीफ गद्दी, अमर पासवान, राजा गद्दी, जाहिर अहमद, शहजादा गद्दी, कामरान गद्दी, चंपू गद्दी, सागर गद्दी, सोनू गद्दी, शादाब गद्दी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। आप लोग जानते हैं गद्दी समाज, गद्दी बिरादरी मुस्लिम में एक बिरादरी है जो बहुत कम तादाद में है, हालांकि पूरे भारत में फैली हुई है, लेकिन शहर में एक आध 2000 लोग इस तरह से रहते हैं एक कस्बे में, एक इलाके में, जैसे गद्दी मोहल्ला उसको कहते हैं। तो ये सारे जो है गद्दी समाज मैंने बटे हुए थे इधर उधर। तो अब से 39 साल पहले ये एक गद्दी वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया गद्दी समाज की स्थापना हुई, जिसमें जो है हमारे वो यूपी के जो गद्दी बिरादरी के लोग थे, एमएलए थे हमारे दाऊद समाजवादी पार्टी के, दाऊद साहब, अतीक अहमद साहब, ये लोग जो है हमारे धनबाद के महबूब गद्दी साहब मिल करके ये एक जो है संगठन बनाया, ताकि हम जो सारे गद्दी लोग अपनी कुछ पहचान बनाए समाज में और एक दूसरे कहाँ कहाँ गद्दी है इसकी खोज करें और एक दूसरे से जुड़े। कोई नहीं जानता था कि गद्दी यहाँ है तो कहाँ और है, दूसरे जगह बनारस में है, ऐसा हम लोग सुनते थे। बट ये इससे हुआ कि ये समाज जब बना, ये इसकी स्थापना जो हुई तो इससे फ़ायदा हुआ, सारे गद्दी एक दूसरे से जुड़ गए, हमारा पेपर निकला, चैनल बना, व्हाट्सएप ग्रुप बना और एक दूसरे से जुड़ करके अब हम ये है कि समाज में एक पोजीशन में आ गई गद्दी बिरादरी, जो एक पोजीशन इस तरह से आ गई कि जो है लोग हमको जानने लगे कि गद्दी क्या है, गद्दी बिरादरी है, गद्दी समाज क्या है, गद्दी लोग क्या करते हैं। तो ऐसे तो हम लोग कारोबार, हम लोगों का जो बाप दादा का था वो जो है जानवर का था, दूध का कारोबार था मेन, लेकिन अब धीरे धीरे नौजवान आए, आगे बढ़े और इसमें ये गद्दी समाज, ऑल इंडिया गद्दी समाज का बहुत बड़ा रोल रहा, लोग पढ़ने लिखने लगे पास पोस्ट का देख करके, और आज हम इस पोजीशन में हैं कि जहां हमारा एमएलए है, हमारा मिनिस्टर है रहा है, और भी बहुत सारे मैंने पर्सनालिटी गुजरी गद्दी बिरादरी की, और आज जो है हम एक पोजीशन में हैं गद्दी समाज जो है, जैसे नौसाद गद्दी जैसे नौजवान आगे बढ़े और भी हमारे नौजवान पढ़ लिख करके बहुत कुछ किया। तो इसी का स्थापना दिवस गद्दी, ऑल इंडिया गद्दी समाज का स्थापना दिवस जो है आज नौसाद गद्दी के संचालन में जो है। अभी कमेटी में कितने लोग हैं, कमेटी में कितने मेंबर हैं अभी? कमेटी में हम लोगों के धनबाद में कम से कम जो है 1500 लोग हैं, 1500 इसी मोहल्ले में। इसी तरह से झरिया में है, झरिया में दो तीन जगह हैं। इसी झारखंड की बात करें अगर, रांची है, जमशेदपुर है, जमशेदपुर में भी आज मनाया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर।